हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे और डिसऑर्डर में हम सबसे पहले BPCC 133 का जो है जो उसका फर्स्ट चैप्टर, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि डिसऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि क्या डिसऑर्डर है और क्या डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है डिफ़ाइन करना इसको। तो स्टार्ट करते हैं। डिसऑर्डर को हम कह सकते हैं कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर के रूप में भी इसको बताया जाता है। मतलब एक डिसऑर्डर को मेंटल डिसऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है। और ये मेनली क्या बताता है कि ऐसी अवस्था या ऐसा स्टेट जिसमें पर्सन जो है वो बिहेव अबनॉर्मल बिहेव करता है, ठीक है ना, समाज से हटकर, और डे टू डे लाइफ में उसके इस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है बहुत ही बुरा, और दूसरे जो उसके आस पास रह रहे हैं उसके साथ भी ये बहुत ही बुरा अफेक्ट करता है, जो इसका ये बिहेवियर होता है। मेनली क्या है कि बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं इसके दौरान, ठीक है ना, थिंकिंग में एंड सो ऑन, हर चीज़ में चेंजेस आ जाता है, और ये डिसफंक्शनल स्टेट क्रिएट करता है पर्सन की ज़िंदगी में। बहुत तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है ना, जैसे हम कह सकते हैं मूड डिसऑर्डर, ठीक है ना। मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है ना, और ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ये सब हैं, ठीक है। अब इसमें हम और एक और अच्छे से डिफाइन करेंगे इसको, फिर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर हमारे या जो हमारे साथ में रहते हैं उनके लाइफ का अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये मेनली क्या है कि ऐसे डिसऑर्डर हैं जो पर्सन के लाइफ में डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ये एक तरफा नहीं होते हैं, चारों तरफ से ये डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या है कि डिफ़ाइन करना किसी भी चीज़ को बहुत ही कठिन हो जाता है, जो बार बार चेंज होता रहता है। ऐसे ही क्या है कि जो डिसऑर्डर्स का जो डेफिनेशन है वो बार बार चेंज होता रहता है, और DSM-5 में इसके अलग अलग डेफिनेशन, हर मतलब जो भी साइकोलॉजिस्ट है या फिलोसफर है उसके द्वारा अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेफिनेशन दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जो मेंटल हेल्थ है इसको कैसे डिफाइन करें कि ये जो स्टेट है इस पर्सन का वो डिसऑर्डर है या नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम अगर देखें, ठीक है, नॉर्मल हम क्या कहते हैं कि समाज से हट के अगर बिहेवियर है तो डिसऑर्डर है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए सही नहीं है कि जो भी एक्टर है, ठीक है ना, जो भी सिंगर हैं, इन सब का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा समाज से हटके ही होता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि इन सब को डिसऑर्डर है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम ये कहते हैं कि ये टैलेंटेड है, हम ये कहते हैं इनको गिफ्टेड है, ये ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि ये अब नॉर्मल है। तो फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है या फिलोसफर है वो इस चीज़ को ऐसे कहते हैं कि हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि भाई जो बिहेवियर है वो माल एडेप्टिव एंड क्या है कि वो डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अपने ज़िंदगी में और दूसरे की ज़िंदगी में डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेली लाइफ में इंटरप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ऐसे अगर हो रहा है किसी के साथ, उसके ज़िंदगी में डिस्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उसके ज़िंदगी के साथ साथ दूसरे की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है, उसके सोच अलग होगा, उसका बिहेवियर अलग है बिहेव करने का, और जो सिचुएशन में वो खुद को ढाल नहीं पा रहा है, माल एडेप्टिव का मतलब होता है सिचुएशन में ऐसा मतलब होना कि सिचुएशन में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाना, ठीक है।
और जो सोसाइटी के नॉर्म से थोड़ा हटके है, लेकिन सोसाइटी का नॉर्म यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जो सिंगर है या जो एक्टर है उनका भी जो बिहेवियर होता है सोसाइटी के नॉर्म से हटकर ही होता है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन हम इसको ज़रूर कह सकते हैं कि अगर दूसरे की ज़िंदगी में इसको दिक्कत पैदा हो रही है, ठीक है ना, और उसके ज़िंदगी कोई प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे पर्सन को हम कह सकते हैं कि उसको डिसऑर्डर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोफेशनल ये मानते हैं कि जो डिसऑर्डर है, ठीक है ना, वो डिसऑर्डर को हम अलग मतलब दो चीज़ों से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ऐसी चीज़ जिससे पर्सनल डिस्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, और उसके साथ साथ लाइफ के जो मल्टीपल एरिया में डिसफंक्शन क्रिएट कर रहा है, उस चीज़ को हम सही से अपने लाइफ के जो जो काम हैं हम सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे। अब मेंटल डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, ये सारी एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है, हम इसको हमेशा से क्या है कि एक ही मानते हैं वैसे तो, ठीक है ना। तो DSM-5 जो है, जो डिसऑर्डर का पूरा जिसमें रहता है कि ये डिसऑर्डर होते हैं, एक जिसे DSM-5 को हम क्या कह सकते हैं, ये अमेरिका का एक मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का कुछ एक बुक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बुक में क्या है कि डिसऑर्डर को डिफाइन किया गया है एक सिंड्रोम के रूप में, जिसके कारण क्या होता है कि बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निशन ये सब डिस्टर्ब होता है, डिसबैलेंस होता है, ठीक है ना। तो DSM-5 क्या करता है कि इसको एक सिंड्रोम मानता है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निशन ये डिसबैलेंस होता है, डिस्टर्ब होता है, और ये पर्सन के ज़िंदगी में मतलब उसके वर्क में, स्कूल में, सोशल रिलेशनशिप में, इन सब में क्या करता है कि डिस्ट्रेस क्रिएट करता है और अच्छे तरीके से सब को अफेक्ट करता है। तो इसको हम मेनली डिसऑर्डर कहेंगे, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अगर ये 20 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा तब, ठीक है ना। इसके बाद और देखें इसमें क्या है, ठीक है ना, क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम हमें 3-4 पे लिखना होता है, थोड़ा और देखते हैं क्या है। तो हम और डिसऑर्डर में इसमें ये लिख सकते हैं कि DSM-5 हमें ये भी कहता है कि हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब उत्तेजनाएं हैं जो हमें उत्तेजित करती है, ठीक है ना, या उत्तेजक है जो हमें उत्तेजित करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम नॉर्मली इन सब से डील कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, उसको हम डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी का डेथ हो गया, इसमें ऑब्वियसली यार कोई भी दुखी होगा, रोएगा, ठीक है ना, सर पीटेगा या जो भी है, उसको ज़्यादा अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार है तो यही सब करेगा, इसको हम डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, मेंटल डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। उसके बाद अब DSM-5 ये भी कहता है कि कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो समाज से हटकर होते हैं, इनको भी हम डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, तब तक नहीं कहेंगे तो जब तक ये डिसफंक्शन क्रिएट नहीं करे, ठीक है ना, हमारे ज़िंदगी में जिनको डिसऑर्डर है उसके ज़िंदगी में और उसके साथ जो रह रहे हैं उन सब के ज़िंदगी में, जब तक ये डिसऑर्डर डिस्ट्रेस क्रिएट ना करे या डिसफंक्शनल स्टेट में ना हो तब तक हम उसे डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। तो मेंटल डिसऑर्डर को अगर हम थोड़ा सा उसको समझें, अभी तक जो हमने समझा है वो ये समझा है कि जो मेंटल डिसऑर्डर है वो क्या करता है कि एक ऐसा कंडीशन है जो डिस्ट्रेस क्रिएट करता है और अफेक्ट करता है पर्सन के मतलब फंक्शन को, काम करने की क्षमता को, या हर एरिया में वर्क, स्कूल, इस सब में उसको दिक्कत पैदा करता है, मतलब पर्सन कैसे बिहेव करता है ये उसको अफेक्ट करता है, पर्सन कैसे सोचता है ये उसको अफेक्ट करता है, पर्सन कैसा फील करता है ये उसको अफेक्ट करता है, पर्सन के होम में, वर्क में, स्कूल में, रिलेशनशिप में एंड हर चीज़ में क्या करता है ये अफेक्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद
इतना ही हम लिखेंगे, लेकिन ये भी बहुत हो जाता है, इतना ही अगर हम लिखेंगे ये 20 नंबर के क्वेश्चन में, तो मुझे लगता है कि हम अच्छे से इसको मतलब डील कर सकते हैं उस क्वेश्चन से, और अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, मुझे और इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। बाकी अगर आपको बुक से लिखना है तो आप बुक से भी लिख सकते हो, बुक में जो आपका जो लिखा हुआ है डेफिनेशन, और जो जो है जैसे साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन ये लिखा हुआ है, डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट क्या होता है ये लिखा हुआ है, सब चीज़ मैंने बताया है इसमें, निचोड़ करके मैंने बताया है, और मुझे नहीं लगता कुछ है। हाँ, एक एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हो इसमें, ये लिख सकते हो कि जैसे हम अभी के जो मतलब टाइम पे, जैसे हम यंग एज में हैं, ठीक है ना, या एडल्ट में हैं हम, तो हम ये लिख सकते हैं, अपना ही एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर किसी बॉय ने किसी गर्ल को, अगर उसके क्लासमेट है, उसको प्रपोज़ किया, ठीक है, और उस गर्ल ने क्या किया कि मना कर दिया उसे, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल दुखी तो होता ही है हर आदमी, ऐसा नहीं कि कोई दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ है, ईगो हर्ट हुआ है तो दुखी होगा ही होगा। लेकिन अगर ये दुखी जो पन है उसका, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत हफ्तों से है और उसको सैड फील हो रहा है, उसका मतलब सुसाइड करने का मन कर रहा है, इसमें हम डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। उसको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, एंड बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में है, ठीक है ना, इस स्टेट को हम डिसऑर्डर कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। और बाकी यही है, और कुछ है ना इसमें। बाकी हम नेक्स्ट वाले में सिम्टम समझेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम क्या क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो और आप इसे अच्छे से समझ सको। मेनली क्या है कि ये उनके लिए है जो समझ के लिख सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है ना, उनके लिए नहीं है कि जिनको पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स चाहिए तो नोट्स उसके लिए चाहिए, नोट्स चाहिए आपको तो आप मेरे को 2-3 दिन पहले बताओ एग्ज़ाम के, ताकि मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि तो एक दिन पहले बताओगे तो बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, इग्नू में, तो मैं उन सब के नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा सकता, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़।